वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार से जुड़ी वो तमाम भर्ती या फिर प्रोटेस्ट के बारे में जो भी अपडेट है हम आप तक साझा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ जो हमारा एजुकेशन की 2.0 है उसे भी सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की नौकरी के बारे में वहाँ अपडेट आपको दिए जा रहे हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि आज का जो अपडेट है ये बिहार के शिक्षक भर्ती को लेकर है, और बिहार में जो भी छात्र यहाँ शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए सरकार जो है अभी हाल ही में पलटी है। सरकार जो है जनता दल यूनाइटेड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के तोड़कर RJD के गठबंधन में आई है, और यहाँ पे बने हैं एक नए शिक्षा मंत्री जिनका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर। इन्होंने कल क्या बातें कही हैं और अब 7वें चरण की परीक्षा को लेकर क्या बातें हो रही हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ आप तक हम साझा करने जा रहे हैं। तो सीधे लिए चलते हैं इनकी अपडेट पे दोस्तों। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एक दूसरे को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये खबर है दोस्तों आज की, दैनिक जो अखबारें आती है आपकी है ना, प्रभात खबर की अपडेट है। 7वें चरण को लेकर यहाँ पर राज्य स्तरीय चयन एजेंसी को दी जाएगी जिम्मेदारी। अब यहाँ पे आपको बता दें कि राज्य स्तरीय चयन एजेंसी, ये एक नया एजेंसी बनाया जा रहा है जिसके जरिए यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे पहले भी जो नियोजन की प्रक्रिया होती थी वो भी एक जो है क्या तो आपका एजेंसी ही करवाता था, अब ये जो है एजेंसी को बदला जा रहा है। देखिए प्रदेश में शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए राज्य स्तर पर किसी एजेंसी को जिम्मेवारी दी जाएगी। अब इसमें किस एजेंसी को जिम्मेवारी मिलने जा रही है ये अभी तक क्लियर नहीं, लेकिन अभी जो बातें निकल कर आ रही है सामने उसमें बताया जा रहा है कि इन सभी नियोजन की प्रक्रियाओं को जिया कंप्यूटर आधारित किया जाएगा। तो हो सकता है कि जो नियोजन की प्रक्रिया हो, आपका जितना भी डेटा चेक होता है नियोजन के प्रोसेस में, तो सब कुछ कंप्यूटराइज किया जाए। और यहाँ पे दोस्तों एक नई एजेंसी को जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है। इसके लिए औपचारिक तौर पर निर्णय लिया जा रहा है कि उन्हें बताया गया है कि इस एजेंसी के हाथ में काउंसलिंग के अलावा समुचित प्रक्रिया को यहाँ पे करना होगा, यानी कि जितना भी प्रक्रिया है आपका पहले दिन से, जैसे कि आप लोग STET देते हैं, STET अगर क्लियर है, इस बार देखिए 2022 का भी जो STET हो रहा है इसमें कि BCOM मतलब कॉमर्स वाले छात्र को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है, क्योंकि कॉमर्स के टीचर यानी कि वाणिज्य विभाग से शिक्षक बनेंगे ये लोग, तो उनका भी एग्जाम होना है। और जो लोग STET 2019 पास किए थे, मतलब 2019 वाला जो STET हुआ था, जो छात्रों ने 19 का क्लियर किया है, उन लोगों को मिला के यहाँ पे 7वें चरण की प्रक्रिया का अब यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे एक नई एजेंसी बनाने की बात हो रही है। ठीक है, और ये नई एजेंसी जो है काउंसलिंग के अलावा समूची प्रक्रिया को पूरा करना होगा इसको। बुधवार को शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे अपनी बातचीत के अनुसार यह प्रभात खबर से बातचीत को कहा है कि राज्य स्तरीय एजेंसी सेंट्रलाइज आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट बनाने तक की समूची गतिविधियों को पूरा करेगी। तो जैसा कि शिक्षा मंत्री जी का कहना है यहाँ पे कि बहुत सारी खामियां थी जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग रिक्रूट हुए हैं पुराने टीचर्स के रिक्रूटमेंट में, तो इस बार वो गलती नहीं होगी और ये खामियों को दूर करने के लिए हम लोग इसको जो है सेंट्रलाइज तरीके से, यानी कि है ना केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेने से लेकर आपका मेरिट लिस्ट बनने तक की गतिविधि को पूरा किया जाएगा इसी एजेंसी के द्वारा। यह एजेंसी अपने आप में स्वायत्त होगी, यानी कि सेल्फ मतलब कह सकते हैं कि एक विभाग ही इसको बना दिया जाएगा अगर कहें तो। ठीक है, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि काउंसलिंग की यह पूरी जो कार्यवाही है जिला स्तर पर कराई जाएगी। पहले क्या होता था कि आपका नगर निगम लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, मतलब मुखिया लोग भी जो है टीचर के रिक्रूटमेंट करवा देते थे, है ना, तो वैसे पावर उनको मिलते थे कि वो लोग जाके शिक्षकों की भर्ती अपने घरों में ही उनके रिक्रूटमेंट वगैरह करवा देते थे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनको भी नौकरी दिलवा के आज वो लोग तनख्वाह उठा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी आगे इन भविष्य में। ठीक है, तो इसको लेकर जो है ये जिला स्तर पर किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी ने कहा है कि काउंसलिंग की पूरी कार्रवाई जिला स्तर पर कराई जाएगी, यही से सभी को नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे, और अभी जो एजेंसियां शिक्षकों के चयन के लिए जिम्मेदार हैं यह सभी खारिज कर दी जाएंगी। तो आपको बता दें कि जितने भी एजेंसी अभी कार्यरत है ना बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, उन सबको खारिज कर दिया जाएगा और उनका किसी तरह का हस्तक्षेप भी अब नहीं होगा इस प्रक्रिया में, जो कि 7वें चरण का ये प्रक्रिया यहाँ पर 7th phase का जो प्रक्रिया है ये यहाँ पे लागू किया जा रहा है। ये खबर आज देख सकते हैं आप लोग, 12 तारीख का है, यानी कि 12 जनवरी का है, जो कि यहाँ पे
जो हमारे केंद्रीय सॉरी राज्य के जो हमारे मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जो है राज्य के, वो उन्होंने ये अपडेट दिया है। अब ये सब सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, और इसमें जो नई एजेंसी आएगी, इसको सारी चीजें समझने में और इसको समझ कर काउंसलिंग करवाने तक, नियोजन की प्रक्रिया करवाने तक काफी लंबा समय खींचने जा रहा है। तो जो भी छात्र यहाँ पे इस शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनको इंतजार करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। अगर आपने बीएड कर रखा है ना, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, अगर आपने सीटेट वगैरह या फिर एसटीईटी वगैरह क्लियर कर रखा है, तो आप जो है, मैं कहूंगा मेरे इस चैनल के माध्यम से, कि आप जो है केंद्र लेवल पे यानी कि सेंटर लेवल पे या अन्य राज्यों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है, वहां ट्राई कीजिए। क्योंकि बिहार में नौकरी अगर चाह रहे हैं कि आप लोग को जल्दी मिल जाए, तो इसमें विलंबता अभी होने वाली है इस विभाग को लेकर। वैसे शिक्षक के जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं वो लगातार पटना में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी न्यूज मीडिया जो है, जो कि नेशनल न्यूज मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, है ना, वो लोग उसको कवर अप नहीं करते हैं, ना ही उसको दिखाते हैं। बस यहाँ पे जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो यहाँ पे रद्द हो रहे हैं, और जो भी एग्जाम करवाया जा रहा है उसका पेपर लीक हो रहा है, यही सब मामला चलता आ रहा है लगातार। तो कोई ना कोई यहाँ पे फंस रहा है, कोई निकल रहा है, कोई फंस रहा है, कोई निकल रहा है, ये सारी प्रक्रियाओं में, ये जो बहाली की प्रक्रिया है, ये इसमें विलंबता होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे एक नया एजेंसी की बात कर दी गई है, एक नई बात हो चुकी है यहाँ पे, और ये सातवें चरण की प्रक्रिया को लेकर की जा रही है। तो यहाँ भी काउंसलिंग तक का जो प्रोसेस होगा वो आपका साल से 2 साल तक होने जा रहा है। इस बात को आप लोग लिख के रखिएगा दिमाग में। तो अगर आप लोग कहीं चाहते हैं कि मैं नौकरी करके शादी ब्याह कर लूं, या फिर अपने परिवार के लिए कुछ कमाना शुरू कर दूं, तो आप अपने डिग्री के आधार पे, जी हाँ, अपने जितने भी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मेरे ख्याल से एक अपडेट और आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, भारत दर्शन के लिए जो है पैरामिलिट्री के लिए मिलेगी ट्रेनिंग यहाँ पे। फिलहाल ये तो अपडेट यहाँ पे नहीं है, एक अपडेट यहाँ पे, ये अब बिपार्ट जो है, बिपार्ट एक संस्था है दोस्तों, जो कि बिहार में जितने भी आयोग है, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, है ना, ऐसे जितने भी आयोग हैं जिनके कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं, उन सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देगी। और ये जो प्रशिक्षण होगा ये कंप्यूटर के आधार पे होगा, यानी कि कंप्यूटराइज होगा। जी हाँ, इसके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाला था जिसमें कि अधिकारी ने सारी बातें यहाँ पे बताई भी थी, वो लास्ट वीडियो आप लोग देखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग से विभिन्न सेवाओं के लिए चयनित पदाधिकारियों को अब उनका संबंधित विभाग नहीं, बल्कि बिहार लोक सेवा लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्था जो कि बीपार्ड है यहाँ पे, ये प्रशिक्षण देगा उनको। राज्य सरकार ने यूपीएससी की तरह बीपीएससी पदाधिकारियों को भी संस्थान में, संस्थान के माध्यम से 3 महीने का कंबाइंड फाउंडेशन परीक्षण कोर्स कराने का निर्णय लिया है। 15 जनवरी से 450 अफसरों के साथ साथ इसके पहले बैच शुरू हो जाएगी, और कुछ यहाँ पे नामी संस्था है जिसे फैकल्टी देंगे वो लोग, ठीक है। चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लेकर शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाने को लेकर विपार्ट जो है यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देगी। जी हाँ, ये बता दें आपको कि आईसीडी कार्तिकेय धनंजय जी ने ये अपडेट आपको दिया है, और ये इनका एक मैंने वीडियो क्लिप भी आपको परसों अपने चैनल पे डाला भी था। विपार्ट ही लेगा सेवा संपुष्टि के लिए जरूरी टेस्ट। जी हाँ, देखिए सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मियों की सेवा संपुष्टि के लिए, सेवा होने के लिए कंप्यूटर टेस्ट भी आपको देना हो, यानी कि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं और नई सेवाओं में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग को एक कंप्यूटर टेस्ट देना होगा। और ये कौन लेगा, तो बीपार्ट लेगा। पहले नाइलेट ले रहा था इस एग्जाम को, नाइलेट के जरिए कंप्यूटर टेस्ट आयोजित किया जा रहा था, मगर अब राज्य सरकार ने बीपार्ट को यह जिम्मेदारी दी है। इसके लिए पटना गया में इसका परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इसको लेकर पोर्टल 2 जनवरी 2023 से चालू हो गया है। जो भी संबंधित कर्मी हैं, जो लोग कार्यरत हैं, अभी कार्य कर रहे हैं, तो इस पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब तक 358 कर्मियों ने कंप्यूटर टेस्ट भी दे दिया है, और इसका स्लॉट बुक हो चुका है एक्चुअली इसके टेस्ट देने को लेकर, ठीक है। तो ये अपडेट है दोस्तों बीपार्ट को लेकर, जो कि हमें आप तक पहुँचाना था, सारी चीज़ साझा की हमने उन्हें अपने इस वीडियो के माध्यम से। और आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।